अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर और मशरूम की इतनी टेस्टी सब्ज़ी कि ये बिल्कुल नॉन वेज की तरह लगती है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो चलिए हम मज़ेदार सी मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे धुले हुए और कटे हुए मशरूम और हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें अच्छे से फ्राई करना है मशरूम, जो भी पानी छोड़े उसे हमें सारे पानी को सुखा देना है। मशरूम जब तक फ्राई हो रहे हैं तो हम उसकी ग्रेवी के लिए जो मसाला चाहिए तो कुछ मसाले हम पीस लेते हैं। तो मैं मिक्सी के जार में सबसे पहले डालूंगी लहसुन 3 से 4 कलियाँ, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ और मैंने 2 छोटी प्याज ली हैं वो मैंने डाल दी हैं, 2 टमाटर लिए हैं इन्हें भी हमने डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मशरूम भी हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं मशरूम, मैंने निकाल लिए हैं। तो मैं उसी तेल में जो हमने मशरूम फ्राई किए थे जिसमें, उसी में हम अब हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसे मिक्स करेंगे तेल में। और अब इसमें जो हमने मसाले पीसे थे प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ें, तो वो हम डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए हमने भून लिया है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच देसी घी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इस सब्ज़ी का। तो ये मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाली है मैंने, और इन्हें सब चीज़ों को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और हम इसमें अब डालेंगे, मिक्स करने के बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालकर हमें मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक ये ऑयल को ना छोड़े। तो मसाला हमने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर और जो हमने मशरूम फ्राई किए थे वो मशरूम, और अच्छे से मिक्स करेंगे हम दोनों चीज़ों को और 1 से 2 मिनट भून लेंगे इसी तरह से। ये देखिए हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इस हिसाब से डालना है ताकि मटर भी अच्छे से गल जाए और हमें जितनी इसमें सब्ज़ी में ग्रेवी रखनी है तो उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। और मैं 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि मटर अच्छे से गल जाए। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। ये देखिए मज़ेदार और शादियों वाली मटर मशरूम की सब्ज़ी बनकर तैयार है और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।